हम अभी e को सॉल्व कर लेते हैं, i इज इक्वल्स टू d ओवर dt 20 e माइनस 4t cos ऑफ 50t, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ होगा u डिफरेंशिएट का u ही फार्मूला d ओवर dt v और प्लस v du ओवर dt। तो u की वैल्यू हमारे पास, इसे हम u कंसीडर करते हैं और इसे हम v कंसीडर करते हैं कर रहे हैं। तो यहाँ पर 20 e की पावर माइनस 40 तो सिंपल आ जाएगा, देन d ओवर dt cos ऑफ 50 t प्लस हमारे पास cos ऑफ 50 t और d ओवर dt में हमारे पास 20 e की पावर माइनस 4 ऑफ t। और उसके बाद अगर देखा जाए हमें तो 20 e की पावर माइनस 40 कॉस का जो इंटीग्रेट डिफरेंशिएट होता है वो माइनस साइन 50 टी, और इंटरनल को जो उसका जो थीटा होता है उससे भी डिफरेंशिएट किया जाता है वो भी 50, और उसके बाद प्लस कॉस ऑफ 50 टी और उसके बाद 20, यानी कि हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे, हम v को डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी u को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 4 e की पावर माइनस 40 50 मल्टीप्लाई विद 20 तो हमारे पास आ जाता है माइनस 1000। ये माइनस साइन का माइनस है, e की पावर माइनस 40 साइन ऑफ 50 टी आपके पास ये आ जाता है। उसके बाद प्लस आपके पास आता है यहाँ पर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 20 तो आपके पास आता है 80 e की पावर माइनस 40 cos ऑफ 50t। जब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 1000 e की पावर माइनस 40 sin 50t माइनस ये 8 e का माइनस 8 एक्सपोनेंट माइनस 40 cos ऑफ 50t। हम दोनों में से एक्सपोनेंट माइनस 4 जो एक्सपोनेंट माइनस 40 इसे हम कॉमन ले रहे हैं, माइनस के साथ माइनस भी दोनों में से कॉमन ले रहे हैं माइनस 40, तो हमारे पास आंसर बनता है 1000 साइन 50 टी और यहाँ प्लस हमारे पास आ जाएगा 8 कोस ऑफ 50 टी। तो इसका ये आंसर है, हमारे पास आंसर तो ये आया है, पर यूनिट क्या देना चाहिए हमें, यहाँ पर देखें माइक्रो कूलम्स में दिया हुआ है तो हमें यहाँ पर माइक्रो एम्पियर्स इसका यूनिट। फाइनली हमने आज 1.5 तक सवाल क्लियर करे हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर आगे क्वेश्चंस को हल। Thanks for watching.